हेलो एवरीवन, हम लोग करंट अफेयर देख रहे थे और ये घटनाचक्र का दृष्टि है जिसमें से कि लगभग आरओ यारओ और पीसीएस वगैरह में स्टेट पीसीएस या फिर यूपी पीसीएस जो भी आप देते हैं उसमें लगभग 30-35 के बीच में क्वेश्चन आ जाते हैं। आरओ वगैरह में थोड़ा कम आता है, मान लो 25 वगैरह, सॉरी लगभग 25 आरओ वगैरह में 25 से 30 के आसपास में आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसका जो 3 पार्ट है वो कंप्लीट कर चुके हैं, ये चौथा पार्ट है जहाँ जितना हो सकता है वो हम लोग करेंगे अभी। ठीक, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय, पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंध वगैरह में भी देखिए कुछ पूछ देता है कि कौन कौन सा समझौता हुआ है ऐसा करके, और ज़्यादातर तो यही पूछता है कि कहाँ पे कौन चुने गए हैं राष्ट्रपति वगैरह, तो जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है, देखिए पहले हम देखेंगे भारत और केन्या। भारत और केन्या क्या है? केन्या के राष्ट्रपति विलियम समोई रूट 4 से 6 दिसंबर 2023 को राजकीय यात्रा पर थे। वैसे भी क्वेश्चन आते हैं कि इस दौरान या इस बीच में कहाँ के राष्ट्रपति आए थे, तो ज़्यादा जो ज़रूरी है वो नाम आप याद रखिए कि ये समोई रूटो। ठीक है, और फिर उसके बाद केन्या के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया या उनकी पहली यात्रा थी। वैश्विक जैव ईंधन संगठन, ये आपको जानना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, तथा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने की घोषणा की केन्या ने। ठीक है, तो केन्या जो है इन दोनों में शामिल हो रहा है, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। साथ ही भारत केन्या में कृषि के आधुनिकीकरण के लिए 250 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करने की घोषणा की है। सद्य यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य 5 समझौतों पर समझाव हस्ताक्षर हुए। वैसे ये ज़्यादातर जो है मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर भी आप देखिए खेलों में सहयोग पर MOU। MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जब जो एक दूसरे की समझ के आधार पर जो होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझौता, समझ नहीं, मतलब दोनों एक दूसरे से मिलकर के जो डिसाइड करते हैं उस पर एक समझौता होता है, उसे MOU बोला जाता है। डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के लिए सहयोग, तो आप बस डिजिटल समाधान वगैरह ऐसा सोचिए। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का कार्यक्रम जो कि सबके साथ होता रहता है, भारतीय मानक ब्यूरो BIS और केन्याई मानक ब्यूरो KEBS के मध्य MOU। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू और केन्या के मुक्त विश्वविद्यालय DUK के मध्य समझौता। तो बस इतना ही था, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, 5 समझौता हुआ है, खेल पे, डिजिटल समाधान पे, सांस्कृतिक आदान प्रदान पे, और मानक ब्यूरो पे, और मुक्त विश्वविद्यालय पे। आइए देखते हैं भारत और तंजानिया। द्रौपदी मुर्मू के नियंत्रण पर तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन, देखिए ये एक चर्चा में है तो आप इनका नाम आप याद रखिए, सामिया सुलू हसन, बताएंगे आगे क्यों चर्चा में है ये देखिए, के मध्य भारत की राजकीय यात्रा पर थी। ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, तो तंजानिया के राष्ट्रपति के रूप में उनकी पहली यात्रा थी। ठीक, आगे देखते हैं। साथ ही G20 समूह में अफ्रीकी संघ के शामिल होने के बाद किसी अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्ष की पहली भारत यात्रा थी, तो मतलब G20 समूह में जो अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया है तो उसमें अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्ष की पहली भारत यात्रा थी। तंजानिया के राष्ट्रपति सद्य यात्रा के दौरान भारत एवं तंजानिया अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर उन्नत, कुछ नहीं है, 5 वंशी रोड मैप किस पर, रक्षा सहयोग के मध्य, उल्लेखनीय है कि भारत मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच संयुक्त त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का प्रथम संस्करण अक्टूबर 2022 में तंजानिया में आयोजित हुआ था। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना चाहिए, मतलब है नोटेबल है ये। भारत और तंजानिया के मध्य वर्ष 2023 से 27 की अवधि के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए, ऐसे क्वेश्चन UPSC में पूछता है, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम और मेंस वगैरह में लिखने में काम आता है। फरवरी 2024 में सूरजकुंड फरीदाबाद में आयोजित सूरजकुंड मेले में तंजानिया को भागीदार देश बनने का निमंत्रण दिया गया है और इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस में शामिल होने की घोषणा हुई है। तो ये जो है वो थोड़ा सा
ये तो कुछ ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी सूरजकुंड मेले में भागीदार देश के रूप में शामिल हो रहा है। ठीक, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि तंजानिया ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल होने की घोषणा की है और 6 समझौतों पर ज्ञापन हुआ है, मतलब समझौते समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुए हैं, जिसमें कि जैसा कि उसमें हुआ था केन्या, तो यहाँ पे भी वही है, जवाहरलाल नेहरू नई दिल्ली जो है वो तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर ये है कि ये जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनको डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया है, कहाँ के, जवाहरलाल नेहरू जेएनयू, जेएनयू यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस देश के राष्ट्रपति को हाल ही में जेएनयू की मानद उपाधि, डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। ये है, तो आप आगे देखिए, भारत और ग्रीस 25 अगस्त 2020 की राजकीय यात्रा पर थी कौन, कारियाकोस मित्सोताकिस, ये क्या है, ग्रीस की प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी इसकी राजकीय यात्रा पर थे, ग्रीस की प्रधानमंत्री कारियाकोस के निमंत्रण पे, कायर ग्रीस कायर नहीं हो सकता कभी, तो ऐसे ही आप याद कर सकते हैं। यह पिछले 40 वर्षों के किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ग्रीस यात्रा थी। नहीं पूछने वाला ऐसा कुछ भी। ठीक, आगे देखते हैं, उल्लेखनीय है कि वर्ष 1983 में इंदिरा गांधी ने ग्रीस की यात्रा की थी, नरेंद्र मोदी ने एथेंस स्थित टूम ऑफ अननोन सोल्जर पर श्रद्धांजलि अर्पित की, तो ये क्वेश्चन बनता है कि एक है कहाँ पे टूम ऑफ अननोन सोल्जर, तो ये मोदी जी ने एथेंस ग्रीस की राजधानी पर श्रद्धांजलि अर्पित की, अब विभिन्न मुद्दों के दौरान मारे गए ग्रीस सैनिकों को समर्पित एक स्मारक है। सद्य यात्रा के दौरान ग्रीस भारत ग्रीस द्विपक्षीय संबंधों की रणनीतिक भागीदारी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य और द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर, तो ये मिला है मोदी जी को, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया। तो ये क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री को किस देश द्वारा द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑनर से सम्मानित किया गया, तो ग्रीस राष्ट्रपति कैटरीना सकेला रोपोलोउ, जो भी है आप कष्ट तो होगा याद करने में नाम, लेकिन आप याद करिए इसको। ठीक है, तो ये ग्रीस की राष्ट्रपति ने इनको दिया है, बस ये आप याद रखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर पूरा नाम जान लीजिए। या मोदी जी यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष हैं। ठीक, 15 जुलाई 2023 को यूएई की भारत यात्रा, आप देखो भारत यूएई के बीच में देख लीजिए, अपनी यूएई की यात्रा के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी पहुंचे और क्या किया था, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 यूएनएफसीसी COP28 के अध्यक्ष सुल्तान अहमद अल जावेर से मुलाकात की। ठीक है, तो ये जो है आपके अध्यक्ष हैं, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो COP23 हुआ है, तो साल भर मतलब वो अध्यक्ष बने रहते हैं ना जब तक कि अगला नहीं होता है, तो ठीक है, तो ये सुल्तान अहमद अल जावेर इसके अध्यक्ष हैं, उनके उनसे मुलाकात हुई, किसके अध्यक्ष हैं, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 UNFCCC COP28, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। ध्यातव्य है कि यूएई की अध्यक्षता में UNFCCC COP28 का आयोजन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के मध्य दुबई यूएई में आयोजित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ सकता है कि COP28 कहाँ पे आयोजित हुआ था। ठीक है, तो आप इसे दुबई में हुआ है, आप इसे याद रखिए। 15 जुलाई 2023 को नरेंद्र मोदी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, इसका नाम मुझे अच्छा लगता है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के मध्य प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता संपन्न हुई। इस यात्रा के दौरान शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, शिक्षा एवं ज्ञान विज्ञान ज्ञान विभाग, अबू धाबी, IIT दिल्ली के मध्य एक समझौता हुआ है। तो ये आपको यूएई के और ये जो है IIT दिल्ली का आप नाम याद रखिएगा, अबू धाबी और IIT दिल्ली के मध्य, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। इस MOU का उद्देश्य अबू धाबी यूएई में IIT दिल्ली के परिसर, देखिए ये है, ये क्वेश्चन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि
ऐसा पूछ सकता है कि हाल ही में किस अरब देश में आईआईटी दिल्ली द्वारा, किस अरेबियन कंट्री में आईआईटी दिल्ली द्वारा अपना कैंपस खोले जाने का मतलब एमओयू साइन हुआ है या फिर खोला जाएगा। तो आईआईटी दिल्ली का जो दूसरा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जिसने विदेश में अपने परिसर की स्थापना की घोषणा की, और इससे पहले जो है आईआईटी मद्रास ऐसा पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है जिसका परिसर विदेश में स्थापित करने की घोषणा की गई। और ये कहाँ किया गया था, आईआईटी मद्रास वाला जंजीबार तंजानिया में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लगभग इतना इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे यहाँ से। तो ये जो है आईआईटी दिल्ली जो है वो दूसरा है, आईआईटी मद्रास पहला था जो विदेशों में पहली बार अपना कैंपस किया था स्थापित। कहाँ पे, जंजीबार तंजानिया में आईआईटी मद्रास। दूसरा कौन सा है, आईआईटी दिल्ली कहाँ पे, अबू धाबी में। आगे देखिए, आगे है फ्रांस। देखिए भारत फ्रांस की इस समय बढ़िया बन रही है, तो फ्रांस को आप नज़र में रखिए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर गए थे। छठवीं यात्रा थी ये, जब से बने हैं तब से काफ़ी छठवीं यात्रा छह यात्रा कर चुके हैं मोदी जी। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुई। भारतीय प्रधानमंत्री एवं फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न के मध्य द्विपक्षीय बैठक आयोजित हुई, कोई फायदा नहीं है। और क्या है, पेरिस स्थित एलिसी पैलेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर, ये देखो ये भाई द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर, ये आपके जस्ट बगल में, ये देखो दोनों एकदम साथ साथ में आ गए। दोनों लाइन एक साथ रखने का मतलब बस फायदा यही है कि दूसरे साइड से रिवीजन भी होता रहता है, इसलिए मैं एक बार सोचा कि इसको जूम कर दूं, एक ही लाइन से पढ़ाऊं, लेकिन फिर सोचा कि दोनों रहता है तो एक साइड रिवीजन भी होता रहता है देखते टाइम। ठीक है, तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर ये कहाँ से मिला है आपको, प्रधानमंत्री मोदी जी को ये मिला है इनको फ्रांस से। तो क्रॉस क्रॉस दोनों है, ठीक। ये है द लीजन ऑफ द ऑनर और ये क्या है द ऑर्डर ऑफ द ऑनर। ऑर्डर मिला है ग्रीस से और लीजन मिला है फ्रांस से। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, जैसे भारत का भारत रत्न वगैरह है, सर्वोच्च सम्मान है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले मोदी जी जो है वो पहले भारतीय हैं। तो कोई इंपॉर्टेंट तो फैक्ट नहीं बनता है, फिर भी आप हाईलाइट कर दिया, देख लीजिए। मोदी नरेंद्र मोदी जो है 14 जुलाई 2023 को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस, क्या है राष्ट्रीय दिवस होता है ये आपको जानना चाहिए, बास्टिल दिवस कब होता है, 14 जुलाई को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जीके का प्रश्न बनता है अगर कोई आप वनडे वगैरह एग्जाम देते हैं, अभी होने वाला है पुलिस वगैरह का कुछ, तो आप उसके लिए भी देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है कि फ्रांस की जो बैस्टिल डे काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेनली। तो पेरिस के आयोजित के अवसर पर पेरिस में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में ये भाग लिए थे, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। बैस्टिल डे परेड में एक सैन्य परेड के नेतृत्व में भारतीय सशस्त्र सेनाओं की तीनों अंगी की 241 सदस्यीय टुकड़ी ने भी प्रतिभाग किया था। मतलब भारत से जो है 241 सशस्त्र सेनाओं की टुकड़ी गई थी वहाँ भी, ऐसा होता है दूसरे देश वाले भी आते हैं तो यहाँ भाग लेते हैं। उल्लेखनीय है कि यह दूसरा अवसर था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को बैस्टिल डे मुख्य अतिथि के रूप में आयोजित किया गया था। इससे पहले मनमोहन सिंह को था, मनमोहन सिंह बैस्टिल डे परेड में शामिल हुए थे। तो इसका मतलब ये है कि भारत का जो है वो अच्छा संबंध काफ़ी टाइम से चल रहा है, खासकर जब से वो समझौता हुआ था। ठीक है, तो ये देखिए इतना हो गया, आगे देखते हैं। मार्सेली फ्रांस में भारत का नया नया महावाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है, मार्सेलीज जो है वो फ्रांस में ही है। तो ये फ्रांस का मतलब भारत का जो है वहाँ पे नया महावाणिज्य दूतावास खोला जाएगा फ्रांस में। तो ये पूछ सकता है कि भारत फ्रांस में कहाँ पर ये अपना दूतावास खोलने की कोशिश में है या खोल रहा है, तो ये है मार्सेली। ठीक, मार्सली, यहाँ मार्से हिंदी में लिखा हुआ, मार्सली आप याद रखिए स्पेलिंग के हिसाब से। जबकि फ्रांस द्वारा हैदराबाद में ब्यूरो डी फ्रांस खोलने की घोषणा हुई। देखिए फ्रांस वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, क्योंकि फ्रांस से आजकल जो है भारत के रिश्ते ना ठीक ठाक चल रहे हैं। ठीक है, तो ये आप भी याद रखिएगा, हैदराबाद में ब्यूरो डी फ्रांस, तुक्का मारने के भी काम आएगा ये अगर आप कुछ ऐसा नहीं आता तो। ठीक है, देखिए भारत में भारत के यूपीआई के फ्रांस में प्रयोग पर सहमति बनी है। भारत के यूपीआई की काफ़ी चर्चा है क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे दुकानदार वगैरह सक्सेसफुली पेमेंट को मतलब चल रहा है यहाँ पे भारत में, और इसके लिए एनपीसीआई जो है भारत के लिए है,
जो कि उसको रेगुलेट कर रहा है, तो यूपीआई को, नेशनल इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड एनपीसीआई। ठीक, तो इनके बीच में जो है, मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो ये जो है भारत के एनपीसीआई तथा फ्रांस के लायरा कलेक्ट। इससे आपको ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि फ्रांस की मुद्रा कौन सी है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन शायद यूपी ट्रिपल एससी वगैरह के शायद एग्जाम में कहीं पूछा हुआ था, तो ये करेंसी वगैरह भी पूछ देते हैं। ठीक है, तो एनपीसीआई और लायरा कलेक्ट के मध्य एक समझौता स्थापित किया गया है, ताकि फ्रांस में भी यूपीआई जैसा ही कुछ प्रयोग किया जा सके और वहाँ पे पेमेंट को जो है वो इतना सार्थक बनाया जा सके। ठीक है, इसके तहत फ्रांस एवं यूरोप में भारत के यूपीआई को कार्यान्वित किया जाएगा। फ्रांस एवं यूरोप में भारत के यूपीआई को कार्यान्वित किया जाएगा, क्योंकि भारत देखिए इतना बड़ा देश है, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, फिर भी इतना बढ़िया ये इसमें सफलता मिली है यूपीआई के प्रयोग में। तो ये जो है, अभी आपने देखा होगा G20 समिट के दौरान काफ़ी जो भी राष्ट्राध्यक्ष वगैरह आए थे, तो जो हमारे विदेश मंत्री हैं और ये लोग जो है वो कुछ ऐसे सब्जी वाले के पास में जा करके और वहाँ पे यूपीआई वगैरह करवा करके दिखाए थे कि देखिए कितना हमारे यहाँ ये कितना सक्सेस है। ठीक है, तो ये जो है ऐसा ही लोगों को सीखने के लिए मिल रहा है, और भारत जो है उसका ज्ञान बांट रहा है, तो वैश्विक गुरु हम लोग बनने वाले हैं जल्दी। ठीक है, कुछ मामले में तो बन ही जाएंगे, आगे देखते हैं। 1 मिनट। फ्रांस में भारत के यूपीआई के प्रयोग की शुरुआत सितंबर 2023 में पेरिस स्थित एफिल टावर से हुई, ये तो पता ही होगा, एफिल टावर से शुरुआत हुई है फ्रांस में भारत के यूपीआई की। भारत और मिस्र के बारे में देखिए, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, देखिए इनकी जो एक पूर्व राष्ट्रपति थी, अभी हाल ही में जो ब्रिक्स बैंक है वहाँ पे अध्यक्ष बनी है, तो ये भी इम्पोर्टेंट अभी हो सकता आएगा देखिए, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब्देल फतेह अल सीसी के निमंत्रण पर मोदी जी जो है वो राजकीय यात्रा पर गए हुए थे, मिस्र की राजकीय यात्रा पर, और भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। मोदी जी की यह पहली मिस्र यात्रा थी, और वर्ष 1997 के बाद से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली भारतीय यात्रा थी, तो ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये आपको याद रखना चाहिए कि 2023 में ये मुख्य अतिथि हैं। कौन? भारत के गणतंत्र दिवस पे कहाँ के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे, तो मिस्र के। क्या नाम था? अब्देल फतेह अल सीसी, सीसी बोटल जैसा कि लोग बोलते हैं। भारत तो मिस्र के सामाजिक न्याय मंत्रालय के अधीन दार अल इफ्ता, में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। तो भारत स्थापित करेगा दार अल इफ्ता में एक सामाजिक न्याय मंत्रालय, जो मिस्र का जो है सामाजिक न्याय मंत्रालय, तो दार अल इफ्ता इसके में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित एक उत्कृष्टता केंद्र क्या स्थापित करेगा? सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित एक उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित करेगा? दार अल इफ्ता में। जाते हैं भाई कि दार अल इफ्ता इस्लामिक विधि अनुसंधान हेतु मिस्र का एक सलाहकारी निकाय है, तो ये जो है इस्लामिक विधि अनुसंधान हेतु मिस्र का एक सलाहकारी निकाय है ये, तो यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित एक उत्कृष्टता केंद्र भारत स्थापित करेगा। आगे देखिए, 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति, आपको पता ही होगा मिस्र की राजधानी क्या है, कैरो, काहिरा वैसे लिखा जाता है हिंदी में, मिस्र के राष्ट्रपति काहिरा स्थित अल इत्तिहादिया पैलेस में द्विपक्षीय बैठक संपन्न हुआ। कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये रणनीतिक साझेदारी भागीदारी तक बढ़ाने का समझौता हुआ। देखिए भाई, यहाँ से भी मिला है मोदी जी को ऑर्डर ऑफ द नाइल, देखो वहाँ नील नदी है ना, नील को नाइल भी इंग्लिश में है, तो यहाँ नाइल लिख रहा है, नील ही लिख देते भाई, मिस्र को जो है वो नील नदी का वरदान कहा जाता है, तो यहाँ पे याद रखने में आसानी होगी, ऑर्डर ऑफ द नाइल मोदी जी को मिला है। कहाँ से मिला है? मिस्र से मिला है, और ये जो है मिस्र के राष्ट्रपति ने दिया है। तो देखिए जो है वो क्रॉस कहाँ से मिला और ऑर्डर कहाँ से मिला, ये सारी चीज़ें, अभी ऑर्डर कहाँ से मिला था? ग्रीस से मिला था, क्रॉस मिला था फ्रांस से, और यहाँ नाइल मिल गया मिस्र से। तो मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये, मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और मोदी जी अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय हैं, ऐसा ही है कुछ। वह दिखाता है कि वर्ष 2022 में भारत और मिस्र के बीच में 75वीं वर्षगांठ जो है वो राजनयिक संबंधों का
है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, भारत अमेरिका में देखिए क्या उथल पुथल चल रहा है, क्या मच रहा है। देखिए मोदी जी, कुछ अंदर की भी खबरें पता होनी चाहिए, खैर नहीं बताया तो अच्छी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 20 से 24 जून 2023 को मध्य अमेरिका आधिकारिक यात्रा पर थे, और यह उनकी पहली आधिकारिक राजकीय यात्रा थी। हालांकि गए तो ट्रंप के टाइम भी थे, हाउडी मोदी, याद होगा आपको। ठीक है, उल्लेखनीय कि प्रधानमंत्री मोदी जी इससे मोदी ने इसके पूर्व 6 बार अमेरिका का दौरा किया, लेकिन ये सभी यात्राएं द्विपक्षीय या फिर बहुपक्षीय कार्यक्रम में भाग लेने हेतु संपन्न हुई थी, लेकिन राजकीय यात्रा जो है वो पहली थी। ठीक, आगे देखते हैं। नरेंद्र मोदी की सद्य अमेरिकी यात्रा की शुरुआत न्यूयॉर्क से हुआ। 1 मिनट, लेकिन न्यूयॉर्क अभी जो काफ़ी चर्चा में था, कुछ मूर्ति वगैरह मैरीलैंड वगैरह में और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ, शायद आपको याद होगा कुछ। प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के प्रतिष्ठित नॉर्थ लॉन में आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। देखिए योग दिवस समारोह का नेतृत्व जो है वो मोदी जी ने किया है, हमारे कहाँ पर किया है, न्यूयॉर्क में किया है। तो ये क्वेश्चन बनता है, क्योंकि भारत कहीं पर लीड कर रहा है तो, लीडर बन रहा है तो देखना चाहिए आपको। और क्या है, योग दिवस की जो थीम थी भाई वो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है ये। वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मोदी जी के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित योग सत्र ऐतिहासिक रहा, इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। तो मोदी जी जो योग करने गए थे तो वहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना के ही आए हैं। क्यों आए हैं भाई, इस योग सत्र में 135 से अधिक देशों के हजारों लोगों ने प्रतिभाग किया। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र में भाग में भारत के अस्थायी मिशन द्वारा एक योग सत्र में सर्वाधिक देशों के लोगों की भागीदारी का गिनीज विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया। तो मतलब वही है, सबसे ज़्यादा लोगों ने प्रतिभाग किया, 135 लोगों ने एक योग सत्र में। वैसे देश तो नहीं पूछेगा, पर अगर यूपी को कुछ ऐसा एग्जाम जैसे झारखंड वगैरह का, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ऐसे ना डायरेक्टली पूछ देते हैं कितने देशों के लोग शामिल हुए थे। पहले तो यूपी भी पूछता था, अभी 2-3 साल से थोड़ा सा बदलाव किया है, लेकिन फिर भी 135 देश शामिल हुए हैं, क्योंकि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है, तो आपको 135 याद रखना चाहिए। 22 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित भी किया। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दूसरा संबोधन था। इससे पहले सितंबर 2016 में अमेरिका की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया था, वही जब मैं बता रहा हूँ ना, हाउडी मोदी के टाइम पे, जब वो ट्रंप, पढ़ा ही होगा आपने पूरा, क्या बताना। प्रधानमंत्री की सद्य अमेरिका यात्रा के दौरान 21 जून को भारत आर्टेमिस समझौते, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला विश्व का 27वां देश बन गया है। अमेरिका यात्रा के दौरान 21 जून 2023 को भारत हस्ताक्षर करने वाला 27वां देश बन गया है। तो ये जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है कि भारत ने आर्टेमिस एकॉर्ड्स पर समझौता कर दिया है। उल्लेखनीय है कि आर्टेमिस समझौता मूलतः 13 अक्टूबर 2020 को हस्ताक्षरित हुआ था। इस समझौते के 8 संस्थापक देश हैं, कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, यूएई, यूके एवं अमेरिका। तो देखिए अमेरिका और कनाडा पास पास वाले हो गए, और ऑस्ट्रेलिया और जापान जो है वो भारत के साथ में काफ़ी इनका क्लोज रिलेशन रहता है, तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ये भी हो गए, यूएई के साथ में चल ही रहा है अपना, और यूके, तो यूके, इटली, यूरोप के हैं। ठीक, तो एक माइंड में बनाइए कहाँ कहाँ के लोग हैं सब। ठीक है, लग्जमबर्ग और इटली और यूके, ये आपके यूरोप में हो गए 3, और ऑस्ट्रेलिया, जापान एशिया में आ गए, पैसिफिक ओशन में है, और अमेरिका, कनाडा नॉर्थ अमेरिका में। यह समझौते ऐसे सिद्धांत का एक समूह है जिन्हें 21वीं शताब्दी में नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण, सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन को दिशा प्रदान करने हेतु तो डिजाइन किया गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए भाई साहब, यह समझौता ऐसे सिद्धांतों का एक समूह है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि जो जिन्हें 21वीं शताब्दी में नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण को दिशा प्रदान करने हेतु तो डिजाइन किया गया है। ध्यातव्य है कि इसरो एवं नासा भूविज्ञान अध्ययन अर्थ साइंस स्टडीज हेतु निशार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार, देखिए क्वेश्चन भी हाल ही में कोई एग्जाम हुआ था तो पूछा था कि निशार क्या है,
नामक संयुक्त उपग्रह मिशन को साकार करने की दिशा में प्रयासरत है। ये तो पता ही है आपको, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, इसरो और नासा के बीच में ये निसार जो है वो सैटेलाइट, इसका पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर राडार NISAR, संयुक्त जो है नामक संयुक्त उपग्रह मिशन को साकार करने की दिशा में प्रयासरत है। तो ये तो पता ही है आपको, नासा इसरो वाला, और आप इसको भी जान लीजिए कि ये क्या है, आर्टेमिस समझौता। भारत खनिज सुरक्षा साझेदारी MSP मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का नवीनतम भागीदार देश बन गया है। तो ये आप भी आपको पता होना, देखिए ये सब ऐसा भी हो सकता है कि मतलब इस तरह से पूछ दे कि हाल ही में भारत किस किस का साझेदार बना है ऐसा करके, तो इसमें आर्टेमिस भी दे सकता है, खनिज सुरक्षा साझेदारी भी दे सकता है, 1-2, 1-2 ऐसा करके, केवल एक केवल दो। तो जब आप ऐसे सोच करके दिमाग से पढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आप इसको देखिए, अमेरिका में जो बहुत सारे किए हैं इन्होंने, एक बार इसको आप कर लीजिए रिवाइज। देखिए न्यूयॉर्क में गए थे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है मोदी जी वहाँ पे शामिल हुए थे, और योग दिवस का थीम था वसुधैव कुटुंबकम, और 135 से अधिक देश शामिल हुए थे, इसलिए गिनीज बुक रिकॉर्ड में इनको मतलब ये मतलब शामिल किया गया, और अमेरिकी कांग्रेस को दूसरी बार संबोधित किया है, संयुक्त बैठक को दूसरा संबोधन था ये, ठीक है। और क्या था, आर्टेमिस समझौता पे शामिल किया है भारत ने, और 27वां देश बन गया है, और 8 संस्थापक देश हैं इस समझौते के। अब इसमें जो है भारत भी शामिल हो गया है, तो टोटल हो गए हैं कितने, 9 संस्थापक देश हैं, देशों के पूरा नाम तो नहीं दे रहा है फिर भी। और ये क्या, आर्टेमिस समझौता क्या है, नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण को दिशा प्रदान करने हेतु तो डिजाइन किया गया एक समझौता है, ऐसे सिद्धांतों का एक समझौता है ये। और निसार आप जानते ही हैं, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार, और भारत जो है खनिज सुरक्षा साझेदारी का नवीनतम भागीदार बन गया है। ध्यातव्य है कि MSP का शुभारंभ जून 2022 में हुआ था। भारत अमेरिका ये काफी है मतलब इम्पोर्टेंट बनता है, हर जब IR पढ़ते हैं वहाँ भी भारत अमेरिका भारत फ्रांस, क्योंकि मेन तो इन्हीं के साथ में, ये छोटे मोटे तो UAE और तंजानिया ये सब तो बेचारे मतलब इनको तो हम लोग खिलाते रहते हैं गोद में बैठा के, ठीक है। भारत के अतिरिक्त 12 अन्य देश भी MSP के सदस्य हैं, इसके अतिरिक्त यूरोपीय संघ भी MSP में भागीदार है। 21 जून 12 अन्य देश, और ये भी ठीक है, 21 जून 2023 को वाशिंगटन DC में भारत अमेरिका रक्षा त्वरित पारिस्थितिकी तंत्र इंडस एक्स, उसे आप हाईलाइट कर लीजिए भाई, लगभग सारा इम्पोर्टेंट लग रहा है इसमें। क्या है ऐसा, देखिए फुल फॉर्म भी आ सकता है इंडक, क्योंकि एक बार पिछली बार भी निसार का साथ आया था मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, पूरी तरह से तो नहीं लेकिन किस एग्जाम में था पता नहीं, शायद PCS वाले एग्जाम में ही रहा होगा, तो निसार का आ चुका था। तो अभी आप इंडस एक्स भी याद कर लीजिए, इंडस तो ऐसे भी सिंधु नदी को कहा जाता है, तो ये भारत से संबंधित है, ऐसे भी कुछ दिमाग में बैठा सकते हैं। इंडिया यूनाइटेड स्टेट डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम, ये है इंडस एक्स। इंडस एक्स क्या है, विश्वविद्यालयों इनक्यूबेटर कारपोरेट, एक मिनट, इंडस एक्स विश्व इनक्यूबेटर कारपोरेट विचार मंत्र और निजी निवेश हितधारकों का एक मंच है। विश्वविद्यालयों इनक्यूबेटर कारपोरेट विचार मंच और निजी निवेश हितधारकों का एक मंच है, यह दोनों देशों के संबंधित उद्योगों के मध्य संयुक्त रक्षा प्रौद्योगिकी नवाचार और अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी के सह उत्पादन को सुगम बनाएगा। तो ये है इसका जो मेन थीम इंडस एक्स का। अमेरिका द्वारा भारत में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोले जाएंगे, ये वाणिज्य दूतावास ये वेरी इंपॉर्टेंट बनता है, ये कहाँ खोले जाएंगे, बेंगलुरु और अहमदाबाद में, ठीक है। भारत द्वारा अमेरिका के सिएटल में नए वाणिज्य दूतावास की स्थापना की जाएगी, तो भारत भी खोल रहा है अमेरिका के सिएटल में, और अमेरिका बेंगलुरु और अहमदाबाद में, ठीक है। अमेरिका के ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में तमिल स्टडी चेयर की स्थापना की जाएगी। देखिए ये भी मुझे काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो ये जो अमेरिका वाला जो है ना, इसे आप 2-3 बार अच्छे से दिमाग में बना लीजिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिकागो विश्वविद्यालय में विवेकानंद चेयर की स्थापना की जाएगी, तो शिकागो विश्वविद्यालय को भी आप याद रखिए, शिकागो का, शिकागो नहीं, शिकागो, क्यूसू और शिकोकू कहाँ पे है भाई, क्या है, आइलैंड है, पता होना चाहिए आपको, जापान के। तो
तो ये देखिए, अमेरिका के ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में तमिल अध्ययन चेयर की स्थापना की जाएगी। ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में, शिकागो विश्वविद्यालय में विश्व विवेकानंद चेयर की स्थापना की जाएगी। ठीक, तो ये क्या था, तमिल अध्ययन चेयर, और ये था विवेकानंद चेयर। विवेकानंद चेयर शिकागो, क्योंकि वहीं पे इन्होंने वो भाषण दिया था। और ये तमिल वाला ह्यूस्टन में है, ह्यूस्टन जो रियो ग्रांडी रिवर के पास में है ना, टेक्सास वाला एरिया, अगर आपको मैप कुछ याद आ रहा हो तो। ठीक है, तो ये था जो आपका अमेरिका वाला, अमेरिका काफ़ी इंपॉर्टेंट बन रहा है, तो आप उसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। भारत MSP का सदस्य बना है। MSP क्या है, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। ठीक, खनिज सुरक्षा साझेदारी, खनिज की सुरक्षा में हम साझेदारी करेंगे। 12 अन्य देश भी हैं। यूरोपीय संघ भी इसका साझेदार है, और इंडसएक्स का जो है वो भारत अमेरिका त्वरित पारिस्थितिक तंत्र में को लॉन्च किया गया है Washington DC में। तो ये भी Washington DC। इंडसएक्स क्या है ये आपने देख लिया, संयुक्त रक्षा प्रौद्योगिकी नवाचार। मैं टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है। और अमेरिका जो है वो वाणिज्य दूतावास बेंगलुरु और अहमदाबाद में खोल रहा है, और भारत जो है वो सिएटल में खोल रहा है। ठीक, तो इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे अमेरिका वाले में। अगला देखते हैं, भारत और सर्बिया। इसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी आप देखिए, द्रौपदी मुर्मू सर्बिया की राजकीय यात्रा संपन्न की। यूरोपीय देश या उनकी किसी यूरोपीय देश की पहली यात्रा थी। चलो, कोई दूसरा तो गया भारत से, तो हमारी राष्ट्रपति जी जो हैं द्रौपदी मुर्मू, ये यूरोपीय देश की पहली यात्रा पर थी। और क्या है, राष्ट्राध्यक्षों किस तरह पहली राजकीय यात्रा भी की। साथ ही ये दोनों देश के बीच राष्ट्राध्यक्ष के स्तर पर पहली राजकीय यात्रा भी थी। यात्रा के दौरान भारतीय राष्ट्रपति ने सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिच के साथ द्विपक्षीय बैठक में भाग लिया। साथ ही सर्बिया के प्रधानमंत्री एना ब्रानाविक के साथ भी मुलाकात की। तो वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। भारतीय राष्ट्रपति ने अपनी सर्बिया यात्रा के दौरान माउंट अवाला पर स्थित मॉन्यूमेंट टू द अननोन हीरो पर श्रद्धांजलि अर्पित की। यार, जबरदस्ती के फैक्ट ना डाले जाते हैं। मॉन्यूमेंट टू द अननोन हीरो, फिर भी अननोन हीरो, जिस हीरो को हम नहीं जानते, जो मतलब हो सकता है कहीं शहीद वगैरह हुए होंगे, तो वहाँ सर्बिया में, तो उस पर जो है श्रद्धांजलि अर्पित किया। भारत सूरीनाम, फटाफट देखते हैं यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी हम लोग 56 पे हैं, बहुत लंबा है। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के निमंत्रण पर, चूँकि ज़्यादातर भारतीय सूरीनाम में है, तो के निमंत्रण पर द्रौपदी मुर्मू 4-6 जून 2023 के मध्य पारामरिबो, सूरीनाम की राजधानी है पारामरिबो की राजकीय यात्रा पर थी। राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने के उपरांत मुर्मू की यह पहली राजकीय यात्रा थी। यह पहली राजकीय यात्रा थी। उल्लेखनीय कि जनवरी 2023 में सूरीनाम के राष्ट्रपति भी भारतीय यात्रा पर थे। आगे देखें, सूरीनाम के राष्ट्रपति 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि थे। यह तो नहीं पता, तो आप जान लीजिए, पूछ भी सकता है, ये इंपॉर्टेंट बनता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सद्य सूरीनाम यात्रा का ऐतिहासिक महत्व है। क्या ऐतिहासिक महत्व है भाई, 5 जून 2023 को भारतीय राष्ट्रपति सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। बस यही था कि सूरीनाम में जो भारतीयों के आगमन की, मतलब भारतीय वहाँ गए थे, तो उसकी ये 50वीं वर्षगांठ थी, तो उसी के समारोह में मुख्य अतिथि थी। सद्य, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जोर दे रहा। सद्य यात्रा के दौरान भारतीय राष्ट्रपति को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, देख लो भाई इसको भी, ये हमारे राष्ट्रपति जी को मिला है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। देखो, ऑर्डर से कन्फ्यूज मत होना यार, येलो स्टार क्योंकि ऑर्डर ग्रीस से भी मिला था, तो ये जो है याद करने के लिए मैंने आपको लटवाया था। अब ये देखिए, ये मिल गया आपको सूरीनाम से। नेपाल देखिए भाई, अपना पड़ोसी कभी था, कभी अपने, मतलब क्या बताएं, अभी भी हाथ से निकल रहा है। 23 मई 3 जून 2023 के मध्य नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भारत की आधिकारिक यात्रा की, और दिसंबर 2022 में पदभार ग्रहण करने के पश्चात नेपाल के प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा थी। और ऊर्जा व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। इस समझौते के तहत क्या है, आगामी 10 वर्षों में भारत द्वारा नेपाल से
10,000 मेगावाट विद्युत ऊर्जा के आयात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो भारत जो है वो नेपाल से 10,000 मेगावाट विद्युत ऊर्जा खरीदेगा, आयात करेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, नदियाँ वगैरह ऐसी हैं जो जहाँ पे मतलब हाइडल पावर प्रोजेक्ट वगैरह वो ज़्यादा है, तो भाई छोटा सा देश कितना इस्तेमाल करेगा। तो वही है, कभी कभी कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती भी खरीद ली जाती हैं मन ना हो तो भी, फिर भी अपने भारत को ऊर्जा की आवश्यकता तो वही है। मोतिहारी बिहार और अमलेखगंज नेपाल पेट्रोलियम पाइपलाइन के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए इस पाइपलाइन को चितवन नेपाल तक ले जाने का निर्णय लिया गया है। चितवन नेपाल तक ले जाने का निर्णय लिया गया है। आगे देखिए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में क्या है भाई, प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बेनीज ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के पश्चात श्री अल्बेनीज की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा थी। 8 मार्च 2023 को होली के दिन अल्बेनीज अपनी भारत यात्रा पर अहमदाबाद गुजरात पहुंचे। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात, सॉरी अहमदाबाद गुजरात पहुंचे। 9 मार्च 2023 को श्री अल्बनीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले गए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे व अंतिम टेस्ट मैच के दौरान उपस्थित थे। देखो ये 2023 वाली, 9 मार्च 2023 की बात है, और ऐसा ही वो समय भी हुआ था वो वर्ल्ड कप के दौरान। ठीक है, तो अभी ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात हो रही है, हम लोग ये काफ़ी पुराना हो रहा है, करंट अफेयर 5 मार्च 2023 का है। तो इसलिए देखिए 10 मार्च 2023 को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के मध्य नई दिल्ली में भारत प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के नवाचार पारितंत्रों को एक साथ लाने के उद्देश्य से भारत ऑस्ट्रेलिया नवाचार एवं प्रौद्योगिकी चुनौती IAITC इंडिया ऑस्ट्रेलिया इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी चैलेंज की घोषणा की गई। तो ये नाम कुछ आप याद रखिएगा, हो सकता है पूछ दे IAITC क्या है, तो या किस देश के साथ ये समझौता हुआ है, तो इसे आप याद रखिएगा। ये है इंडिया ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो देखिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी चैलेंज ITC को आप अलग ढंग से भी देखते हैं ना, इंडियन टोबैको कंपनी करके है इंडिया में, तो उसे अभी आप याद कर सकते हैं। देखिए आगे, 1 मार्च 2023 को 15 दिवसीय प्रथम जनरल रावत भारत ऑस्ट्रेलिया युवा अधिकारी रक्षा विनिमय कार्यक्रम आरंभ हुआ। जनरल रावत भारत ऑस्ट्रेलिया युवा अधिकारी रक्षा विनिमय कार्यक्रम किस देश के साथ हुआ है, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये सब क्वेश्चन नहीं आने चाहिए कभी भी, क्योंकि ये जबरदस्ती वाले फैक्ट हैं। डीकिन विश्वविद्यालय भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा, डिंकिन विश्वविद्यालय, डिंकिंस या डिंकिन जो भी कह लीजिए, ये भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। 3 मार्च 2023 को ऑस्ट्रेलिया के डिकिंस विश्वविद्यालय को भारत में अपनी अंतर्राष्ट्रीय शाखा खोलने की मंजूरी प्राप्त हुई। यह पहला विदेशी विश्वविद्यालय है जिसकी कोई शाखा भारत में स्थापित की जाएगी। डिकिन विश्वविद्यालय गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में अपने अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर की स्थापना करेगा। ये आपको याद होना चाहिए, लिख लीजिए, रट लीजिए, इम्पोर्टेंट है ये काफ़ी, मुझे लग रहा है तो आप भी याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ खोल रहा है डिंकिन विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया का है ये, गिफ्ट सिटी गांधीनगर। आगे देखिए, देखिए भारत भूटान कभी इतना अच्छा दोस्त था हम लोगों का, था अभी भी है, लेकिन चाइना के साथ बातचीत कर रहा है ये, है ना, पॉसेसिव हो रहे हैं दोनों हम लोग। खैर ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में कुछ बैठे ऐसा याद रहे। तो भारत भूटान 3-10 नवंबर 2023 के मध्य भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, देखो ये वांगचुक, और थ्री इडियट तो देखी होगी आपने, की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने नई दिल्ली के अतिरिक्त असम एवं महाराष्ट्र का भी दौरा किया, तो असम और महाराष्ट्र भी गए थे। ठीक है, आगे देखिए, 13 पंचवर्षीय योजना में सहयोग हेतु भारत सहमत हो। उल्लेखनीय कि भारत भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना में सहयोग हेतु सहमत हो गया है। भारत तो हमेशा सहमत ही, हम रक्षा जब इनकी कर रहे हैं तो। फिर भी उल्लेखनीय है कि भूटान में भारत के सहयोग से मांग देछु जल विद्युत परियोजना, देखिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी, क्योंकि ये जल विद्युत परियोजना बहुत पहले से ही मतलब है,
इसे हाल में भूटान को सौंप दिया गया है। तो ये पहले ऐसे क्वेश्चन आता था कि भारत ने भूटान में कहाँ पे ये परियोजना स्थापित की है, तो मांग दे या क्या है ये, किस देश से संबंधित है, तो मांग देचू जल विद्युत परियोजना। ये 720 मेगावाट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जल विद्युत परियोजना ये इंपॉर्टेंट है, भूटान में है और भूटान को सौंप दिया गया है भारत ने। ठीक, आगे देखिए। हाल ही में भारत और भूटान के मध्य एक ऐतिहासिक परियोजना के रूप में सीमा पारी रेल लिंक, ये ऐतिहासिक परियोजना है, सीमा पारी रेल लिंक मतलब सीमा पार करेंगे रेल एक दूसरे देश में जाएंगे, का निर्माण प्रस्तावित है। यह रेल लिंक क्या है? कोकराझार असम के गेलेफु भूटान को जोड़ेगा। तो ये आ सकता है ये वाला पॉइंट कि किसको किसको जोड़ेगा, भारत भारत और भूटान के बीच में जो रेल लिंक की समझौता हुआ है तो कहाँ से कहाँ को जोड़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए कोकराझार असम में है और गेलेफु भूटान में है, इन दोनों को जोड़ेगा। यह भारत एवं भूटान के मध्य पहला रेल लिंक होगा, सॉरी, यह भारत और भूटान के बीच में पहला रेल लिंक होगा ये है। आगे देखिए, भारत और इटली। भाई साहब, इटली तो मैं क्या ही बताऊँ, मेलोनी और मतलब काफ़ी अच्छे रिश्ते आप लोग देख ही रहे होंगे, मैम रील्स वगैरह देखते होंगे, मैम जो मीम्स जो बन रहे हैं वो भी देख रहे होंगे। तो इटली मेलोनी के समय मतलब चर्चा में है कुल मिला के। आगे देखिए, 2 से 3 मार्च 2023 के मध्य इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की, और 8वें रायसीना संवाद के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में भी भाग लिया। होना ही था यार, अब इनको मुख्य अतिथि नहीं मनाएंगे तो फिर तोहीन है। आगे देखते हैं, उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 के भारत और इटली के मध्य राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ थी, और सद्या यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत इटली संबंधों को रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। तो अपग्रेड तो हो ही जाएगा। जर्मनी को देखते हैं, भारत इटली में कुछ ज़्यादा नहीं था, क्या था देखिए, कभी जो है वो एंजेला मर्केल हुआ करती थी, अभी चेंज हो गए हैं, तो ओलाफ सोल्ज है यहाँ पे। ठीक है, जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की, और नई दिल्ली पहुंचने के बाद क्या है 26 फरवरी 2023 बंगलुरु दौरा। देखिए ये अगर कोई जैसे ओबामा ओबामा ने किया था, कहाँ पे गए थे कहाँ पे घूमे थे, तो वो सब तो आता है, लेकिन ओलाफ सेल जो है वो उतना इम्पोर्टेंट मुझे लग नहीं रहा है। फिर भी ये गए थे बंगलुरु, तो देख लीजिए। वर्तमान भूमिका जर्मन चांसलर में श्री सोल्ज की यह पहली भारत यात्रा थी, और उल्लेखनीय कि इससे पूर्व वर्ष 2012 में हैमबर्ग शहर के मेयर के रूप में ये भारत आए थे। साथ ही यह वर्ष 2011 में द्विवार्षिक अंतर सरकारी परामर्श तंत्र के शुरू होने के बाद किसी जर्मन चांसलर की पहली भारत यात्रा है, कुछ भी नहीं इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, भारत मिस्र, अभी आपने देखा, फिर से देख लीजिए, अब्दुल फतेह अल सीसी बताया था, बोटल सीसी याद होगा आपको। 74वें गणतंत्र दिवस 2023 पर श्री सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, तो ये भी आपने देख लिया है कि ये 2023, अब तो 2024 हो गया है, तो 24 वाला याद रखिएगा, 23 में ये थे। तो मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह किया गया है, संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हुए हैं, और मिस्र को जो है वो अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया था G20, भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान मिस्र को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। क्या है? रणनीतिक भागीदारी तक उन्नत करने की घोषणा की गई, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है भाई। आगे देखते हैं इसको, भारत बांग्लादेश एक यही पड़ोसी है जिसके साथ थोड़ा अपना ठीक ठाक चल रहा है अभी। 18 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की शेख हसीना ने वर्चुअल माध्यम से भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया, ठीक, वर्चुअल माध्यम से किया। आगे देखिए, इस पाइपलाइन के निर्माण की आधारशिला सितंबर 2018 में रखी गई थी। क्या है यह? IBFP, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, इसका पूरा नाम है IBFP। ये देखिए, आप शॉर्ट में भी आप इसे याद रखिएगा, हो सकता है पूछ देगी क्या है ये। तो भारत और बांग्लादेश के बीच पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है। इसमें बांग्लादेश को 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उच्च स्पीड डीजल को परिवहन करने की क्षमता मिलेगी।
1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष उच्च स्पीड डीजल को परिवहन करने की क्षमता है। सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें बांग्लादेश को 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उच्च स्पीड डीजल को परिवहन करने की क्षमता है। यह पाइपलाइन नुमालीगढ़ रिफाइनरी के सिलीगुड़ी स्थित विपणन टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के पार्वतीपुर डिपो तक विस्तृत है। यह पाइपलाइन की लंबाई 131.57 किलोमीटर है। तो ये नहीं पूछेगा, फिर भी आप लंबाई देख लीजिए। ये है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के सिलीगुड़ी स्थित विपणन टर्मिनल से बांग्लादेश के पेट्रोलियम को नहीं पूछेगा पार्वतीपुर कौन जा रहा है। आगे देखते हैं। देखिए ये खत्म हो गया, ठीक। अब हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण। अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण ये तो संबंध है अंतर्राष्ट्रीय, और ये मतलब द्विपक्षीय संबंध वगैरह थे। तो अब प्रकरण में हम लोग देखेंगे कि क्या है इसमें। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, देखिए ये हम हर बार पूछता है और आता भी है। वर्ष 2019 से स्थापित टाइम पत्रिका 1927 से प्रतिवर्ष पर्सन ऑफ द ईयर का चुनाव करती है। वर्ष 1927 में पहला पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया, मैन ऑफ द ईयर चार्ल्स लिंड वर्क को चुना गया था। तो 1927 में लिंड वर्क को चुना गया था मैन ऑफ द ईयर, पर्सन ऑफ द ईयर नहीं, मैन ऑफ द ईयर 1927 से प्रकाशित हो रहा है। 1927 से प्रतिवर्ष इसका दे रहा है पर्सन ऑफ द ईयर का चुनाव किया जा रहा है। इस पत्रिका के संपादक को द्वारा किसी वर्ष के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति समूह का विचार या चयन किया जाता है जिसने पूरे वर्ष के दौरान विश्व को सकारात्मक रूप से सर्वाधिक प्रभावित किया हो। सकारात्मक रूप से भारत की तरफ से महात्मा गांधी पहले वह एकमात्र भारतीय है जिन्हें वर्ष 1930 में टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। हालांकि वर्ष 2014 और 16 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ऑनलाइन रीडर्स पोल का विजेता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घोषित किया गया था, ऑनलाइन रीडर्स पोल का विजेता। तो खैर ये तो ये है कि अगर आपका फॉलोअर बेस मजबूत है तो हो सकता है। आ जाइए देखिए, स्मरणीय तत्व 6 दिसंबर 2023 को अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम द्वारा वर्ष 2023 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की घोषणा की गई, और ये जो है वो अमेरिकी गायिका गीतकार टेलर स्विफ्ट को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। ये बस इंपॉर्टेंट है और कुछ भी नहीं इंपॉर्टेंट है। ज्ञातव्य कि वर्ष 2017 में टाइम पत्रिका ने द साइलेंस ब्रेकर नामक समूह को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया था, जिसमें पत्रिका के कवर पेज पर शामिल महिलाओं को टेलर शामिल महिलाओं में टेलर स्विफ्ट को भी स्थान दिया गया था। इस बार टेलर स्विफ्ट को ही पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। द साइलेंस ब्रेकर समूह ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने अपने साथ हुए यौन दुर्व्यवहार के विरुद्ध आवाज उठाई थी। इस प्रकार टेलर स्विफ्ट टाइम के पर्सन ऑफ द ईयर के कवर पेज पर 2 बार स्थान पाने वाली प्रथम महिला बन गई हैं। तो ये थोड़ा सा अलग है, आप इसे देख लीजिए, 2 बार स्थान पाने वाली प्रथम महिला। साथ ही कला और आर्ट कला आर्ट्स के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों हेतु टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित होने वाली यह प्रथम व्यक्ति है। आर्ट के मामले में भी यह प्रथम व्यक्ति है। टाइम पत्रिका द्वारा अन्य प्रमुख श्रेणियों में घोषित विजेताओं की सूची निम्नलिखित है। सीईओ ऑफ द ईयर सैम ऑल्टमैन, ये ओपन एआई के जो हैं वो सीईओ हैं। एथलीट ऑफ द ईयर लियोनेल मैसी, एलेक्स निवेल ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर। तो यही मुझे दो इंपॉर्टेंट लग रहा है, और इसके बारे में ही दोनों में कई मैगजीन में चर्चाएं बसे हैं दोनों का, सैम ऑल्टमैन और लियोनेल मैसी, और बाकी वो जो है वो टेलर स्विफ्ट। नदी डॉल्फिन संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा। नदी डॉल्फिन पूरी तरह से जलीय स्तनधारियों का समूह जो विशेष रूप से मीठे पानी या खारे पानी में पाई जाती है। वर्तमान विश्व में नदी डॉल्फिन की 6 जीवित प्रजातियां हैं जो विश्व के प्रमुख नदी तंत्रों में पाई जाती हैं। 6 जीवित प्रजातियों में अमेजन नदी डॉल्फिन, सिंधु नदी डॉल्फिन, गंगा नदी डॉल्फिन, इरावदी नदी डॉल्फिन और तुकुजी नदी डॉल्फिन और यांगजे फिनलेस पोर्पोइज डॉल्फिन शामिल है। विश्व की 7वीं नदी डॉल्फिन प्रजाति जिसे बैजी या चीन नदी डॉल्फिन कहा जाता है को वर्ष 2006 में विलुप्त घोषित कर दिया गया। देखो यांगजी रिवर भी वहीं पे है, और ये जो है बैजी नदी, मतलब बैजी या चीन नदी डॉल्फिन भी चाइना में ही है। तो इसमें दो शामिल हो गए, मतलब ये है हिंदू सिंधु नदी और गंगा, ये इंडिया से इरावदी, म्यांमार और तुकुजी कहाँ पे है ये देखना पड़ेगा। तुकुजी नदी कहाँ पे है ये आप, मुझे लगता है कि ऐसे आप देख लीजिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है।
एक मिनट, तुकुजी नदी डॉल्फिन, ये मुझे लगता है कि वहाँ पे कहीं मैंने पढ़ा है, ये पेरू वेनेजुएला के आसपास में है, वहीं पे कहीं है ये तुकुजी रिवर, जितना मुझे याद आ रहा। बाकी आप इसे एक बार गूगल कर लीजिएगा, क्या पता पूछ ले। ठीक, 24 अक्टूबर, खासकर जो यूपीएससी दे रहे हैं जो लोग, क्योंकि यूपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। स्मरणीय तथ्य में देखिए, और 24 अक्टूबर 2023 को एशिया और दक्षिण अमेरिका के 11 देशों ने विश्व की नदी डॉल्फिन 6 जीवित प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए कोलंबिया की राजधानी बोगोटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है, ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन बॉय 2030। बॉय नहीं, बाय, क्या लिख देते हैं यार हिंदी में, ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन बाय 2030 के हस्ताक्षर करता है 11 देश, में कौन कौन शामिल है, बांग्लादेश, बोलिविया, ब्राज़ील, भारत, कोलंबिया, इक्वाडोर, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू। हाँ ये देखो, ये अब यहाँ पे मिल गया, सही है। तो ये देखो, ये पेरू वेनेजुएला, क्योंकि ये मुझे याद आ रहा था कि ये ओरिनोको रिवर में शायद ये मिलता है, तो पेरू वेनेजुएला और ब्राज़ील भी देखो वहीं से कनेक्टेड है, इक्वाडोर भी वहीं से है, कोलंबिया भी वहीं से है, और बाकी बोलीविया, ब्राज़ील, पेरू, वेनेजुएला और कोलंबिया, इक्वाडोर, ये देखो साउथ अमेरिका के हैं सारे। ठीक, बाकी कंबोडिया, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, ये है 11 हस्ताक्षरता देश। ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन का मुख्य उद्देश्य सभी नदी डॉल्फिन की संख्या में हो रही गिरावट को रोकना और उनकी आबादी में वृद्धि करना। चाइना नहीं है इसमें, चाइना नहीं है, नेपाल है, पाकिस्तान है, सोचने वाली बात है, तो आप इसे थोड़ा सा याद रखिएगा। देखिए, नेपाल, नेपाल भी है, पाकिस्तान भी है, कंबोडिया, भारत भी है, बांग्लादेश भी है, लेकिन चाइना नहीं है। एशिया और दक्षिण अमेरिका के 11 देशों ने विश्व की नदी डॉल्फिन की 6 जीवित प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए कोलंबिया की राजधानी, अच्छा देखो वहीं पे हुआ भी है, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में समझौता भी हुआ है, इसलिए भी कोलंबिया जो है, ये मुझे लग रहा है कि यांगजे का, तुजुकी नदी डॉल्फिन और यांगजे फिनलेस पोनोई पोरपोइस डॉल्फिन शामिल है, देख लीजिएगा इसे एक बार अच्छे से। आइए आगे देखते हैं क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इससे देखिए क्वेश्चन आ जाते हैं एक दो बार सीधे सीधे। क्यूएस एशिया की बात है यहाँ पे, यूनिवर्सिटी रैंकिंग को ब्रिटिश कंपनी क्यूएस क्वाक्रेली साइमंड्स द्वारा प्रकाशित किया गया, यह रैंकिंग प्रत्येक, देखिए ये नाम आप याद रखिएगा, यह रैंकिंग प्रत्येक वर्ष एशिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों पर प्रकाश डालती है। इस रैंकिंग के तहत संस्थानों का मूल्यांकन 11 संकेतकों के आधार पर किया जाता है। 8 नवंबर को 2023 को क्यूएस एशिया रैंकिंग 2024 को जारी किया गया, देखिए अगर पूछेगा तो 2024 जारी करेगा, कि मतलब पूछेगा, क्योंकि 8 नवंबर 2023 को जारी किया गया है। यह रैंकिंग का 16वां संस्करण है, 25 देशों एवं क्षेत्रों के कुल 856 संस्थान है, इस सर्वाधिक विश्वविद्यालय भारत के हैं 148, तो आप नोट कर लीजिए इसे, क्या पता पूछ दे कि सर्वाधिक कहाँ पे कहाँ के हैं। ज्ञातव्य है कि पिछले वर्ष भारत के 118 विश्वविद्यालय इस रैंकिंग में शामिल थे। चीन का पेकिंग विश्वविद्यालय एशिया का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय रहा। अरे यार ये तो बहुत शर्म की बात है, अपना न मद्रास है, न तो IIC बेंगलुरु है, न BHU है, न JNU है, न तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, कौन है भाई। देखो मैं ये सब बोलने का मतलब ये है कि आप याद रखो, पेकिंग विश्वविद्यालय चाइना और हांगकांग, ये भी है देखो हांगकांग, ऐसे यार नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, यार टॉप 3 तो वही है सब एशिया के जो भी है, पेकिंग विश्वविद्यालय, हांगकांग, चाइना, हांगकांग और सिंगापुर, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, तो ये तो सीधे नाम से लग रहा, पेकिंग याद रखना, चाइना की यूनिवर्सिटी टॉप पे है, ये याद रखना। और आगे देखिए, वर्ष 2024 के शीर्ष 100 शामिल विश्वविद्यालय कौन कौन है, तो देखिए IIT बॉम्बे महाराष्ट्र, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, ये देखो 3 मिल गया, इस बार IIT बॉम्बे महाराष्ट्र है टॉप पर क्यूएस रैंकिंग में, फिर उसके बाद है IIT दिल्ली, मतलब भारत के हिसाब से, और IISc देखो कर्नाटक, ये चौथे नंबर पे आ गया यार, कभी मद्रास और बेंगलुरु हुआ करते थे, खैर इस बार 24 वाले का ध्यान रखना, थोड़ा डाटा चेंज हुआ है। और IIT खड़गपुर पश्चिम बंगाल, IIT कानपुर उत्तर प्रदेश, दिल्ली विश्वविद्यालय, देखो ये सब बाद में आ रहे हैं, कभी ये सब टॉप पे हुआ करते थे। ठीक है, तो ये सब एक बार आप देखेंगे, थोड़ा रुक करके पॉज करके अपने दिमाग में सेट कीजिए, या लिखना है लिख लीजिए, तभी याद होगा, ऐसे पढ़ करके निकल जाने से नहीं हो याद होता है। आगे देखिए, रूस CFE संधि से बाहर,
सीएफई संधि, पूरा नाम क्या है, ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म फोर्सेस ऑन यूरोप, यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि है। 19 नवंबर 1990 को पेरिस में यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि सीएफई पर हस्ताक्षर किया गया था। यह संधि 9 नवंबर 1992 को लागू हुई थी। सीएफई संधि पर एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे उन राष्ट्रों द्वारा संपन्न किया गया जो उस समय नाटो या वार्सा पैक्ट जो है के सदस्य थे। नहीं आएगा कुछ भी ऐसा एग्जाम में। इस संधि का उद्देश्य उपर्युक्त दोनों सैन्य शक्ति, उपर्युक्त दोनों राजनीतिक गठबंधनों नाटो एवं वार्सा संधि संगठन के सदस्य राष्ट्रों के पारंपरिक सशस्त्र बलों के मध्य संतुलन को सुनिश्चित करना था। इस संधि के नाटो और वार्सा पैक्ट वाला इस संधि के माध्यम से इन राष्ट्रों के सशस्त्र बलों में पारंपरिक हथियारों और उपकरणों की संख्या को सीमित किया गया था। यह संधि यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों का एक सुरक्षित और स्थिर संतुलन स्थापित करने के लिए डिजाइन की गई थी। 7 नवंबर 2023 को रूस औपचारिक रूप से यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों संधि से बाहर हो गया है। ज्ञातव्य है कि जून 2023 में रूस ने सीएफई संधि से बाहर होने के निर्णय के संबंध में संधि के डिपोजिटरी मतलब नीदरलैंड और अन्य पक्षकार देशों को सूचित कर दिया था। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, बस आप सीएफई का पूरा नाम, जहां तक मुझे लगता है अगर पूछेगा ना तो सीएफई का पूरा नाम याद रखिएगा और रूस इससे बाहर हो गया है ये आप याद रखिएगा। बाकी कहानी तो आपने देख ही लिया क्या है। रूस के बाहर होने की प्रतिक्रिया स्वरूप नाटो ने नवंबर 2023 में सीएफई संधि के निलंबन का निर्णय ही कर दिया। लो निलंबन लिया मतलब ये निलंबित हो गया जो संधि थी। सीएफई संधि से बाहर होने का रूसी निर्णय यूरो अटलांटिक सुरक्षा को प्रभावित करेगा। ध्यातव्य है कि सीएफई संधि ने यूरोप में पारंपरिक सैन्य उपकरणों की 5 प्रमुख श्रेणियों टैंक, बख्तरबक, युद्धक विमान, युद्धक वाहन, तोपखाने, लड़ाकू हेलीकॉप्टर तथा लड़ाकू विमान पर सीमाएं निर्धारित कर दी थी। ज्ञातव्य है कि सीएफई संधि ने यूरोप में पारंपरिक सैन्य उपकरणों की 5 प्रमुख श्रेणियों टैंक, बख्तरबंद, युद्धक वाहन, तोपखाने, लड़ाकू हेलीकॉप्टर तथा लड़ाकू विमान पर सीमाएं निर्धारित कर दी थी। शीत युद्धकाल के अंतिम वर्षों में हुई यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि को यूरोपीय सुरक्षा की आधारशिला के रूप में भी जाना जाता है। कुछ नहीं इम्पोर्टेंट है। ग्वालियर एवं कोझिकोड UCCN में शामिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप इसे बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ये मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, ये आ सकता है इस तरह के क्वेश्चन। देखिए, यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, UCCN का पूरा नाम यही है, क्रिएटिव सिटी नेटवर्क का सृजन वर्ष 2004 में इसे शहरों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य किया गया था जिन्होंने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय स्तर पर सतत विकास के एक रणनीतिक घटक के रूप में रचनात्मकता को मान्यता प्रदान की है। जिन्होंने इस मुद्दे पर एक रचनात्मकता को मान्यता दी है। यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में जिन 7 रचनात्मक क्षेत्रों को आच्छादित किया गया है वे हैं शिल्प एवं लोक कलाएं, मीडिया आर्ट, फिल्म डिजाइन, पाक कला, गैस्ट्रोनॉमी और साहित्य और संगीत। पाक कला का मतलब भी जान लीजिए। तो ये हैं 7 रचनात्मक क्षेत्र हैं और उन शहरों को मतलब जो रचनात्मकता के मामले में खासकर जो सतत विकास से संबंधित हैं के रणनीतिक घटक के रूप में जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है उनके बारे में 31 अक्टूबर 2023 को विश्व शहर दिवस, वर्ल्ड सिटी यार एकता दिवस भी मनाया जाता है ना 31 अक्टूबर को, विश्व शहर दिवस के अवसर पर 55 शहरों को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया। यूनेस्को के महानिदेशक आद्रे अजोले ने इन 55 नए शहरों को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों का दर्जा दिया। कितने 55 शहरों को, मुझे कुछ ज़्यादा खास तो नहीं लग रहा। ये आप ये याद रखिएगा, विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर 2023 को के अवसर पर। आगे देखिए, इन नए शहरों को शामिल किए जाने के बाद विश्व के 100 से अधिक देशों में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल शहरों की कुल संख्या बढ़कर 350 पहुंच गई है। जिन 55 शहरों को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया उनमें दो भारतीय शहर भी शामिल हैं, कोझिकोड और ग्वालियर। ग्वालियर को संगीत के क्षेत्र में जबकि कोझिकोड को साहित्य के क्षेत्र में यूनेस्को ने रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया है। तो मेन स्टोरी बस यही है भाई, और इस स्टोरी को आप अच्छे से याद रखिए। ग्वालियर को संगीत के क्षेत्र में और कोझिकोड को साहित्य के क्षेत्र में।
ठीक, उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व वर्ष 2015 में जयपुर को शिल्प एवं लोक कला की श्रेणी में और वाराणसी को संगीत के क्षेत्र में को वर्ष 2017 में चेन्नई संगीत के क्षेत्र वर्ष 2017 में चेन्नई को संगीत के क्षेत्र में और वर्ष 2019 में मुंबई को फिल्म एवं हैदराबाद पाक कला के क्षेत्र में फिल्म एवं हैदराबाद को पाक कला के क्षेत्र में को वर्ष 2021 में श्रीनगर को शिल्प एवं कला श्रेणी में यूनेस्को के रचनात्मक। देखो ये देखो ऐसे है, जयपुर को शिल्प लोक कला, वाराणसी को संगीत, चेन्नई को संगीत के क्षेत्र में, मुंबई को फिल्म और पाक कला, नहीं मुंबई को फिल्म, हैदराबाद को पाक कला, श्रीनगर को शिल्प और लोक कला की श्रेणी में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया था। ठीक, ओके, एक मिनट, शामिल किया गया था। तो ये अभी आप जो लेटेस्ट है वो कोझिकोड और ग्वालियर रखिए, ग्वालियर देखिए एमपी में है, तो आप इसे कोझिकोड साहित्य और ग्वालियर को संगीत। तानसेन, स्पष्ट है कि ग्वालियर एवं कोझिकोड को शामिल किए जाने के बाद यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल भारतीय शहरों की कुल संख्या 8 हो गई। ये भी इम्पोर्टेंट है कि कितने लगभग हो चुके हैं, 8 हो गए हैं। ग्वालियर मध्य प्रदेश शहर को यूनेस्को ने संगीत के शहर के रूप में मान्यता दी है, मान्यता प्रदान की है। ग्वालियर की यह ख्याति संगीत के क्षेत्र दिग्गजों यथा संगीत तानसेन बैजू बावरा, बोला था ना, तानसेन और बैजू बावरा के कारण स्थापित है। और अपना बनारस तो ही है, बहुत से लोग हैं वहां पे, तो नृत्य है, संगीत है, सब कुछ है। कोझिकोड केरल को यूनेस्को ने साहित्य के शहर के रूप में मान्यता दी है। साहित्य के क्षेत्र में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल होने वाला यह प्रथम भारतीय शहर है। और ज्ञातव्य है कि कोझिकोड वार्षिक केरल साहित्य महोत्सव का स्थायी आयोजन स्थल भी है। जो कोझिकोड वार्षिक केरल साहित्य महोत्सव का स्थायी आयोजन स्थल भी है, तो इस हिसाब से कोझिकोड का आप बस इतना याद रखिए। देखिए दो ही फैक्ट है बस इसमें, कोझिकोड साहित्य के क्षेत्र में और ग्वालियर संगीत के क्षेत्र में, वो UCCN और यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल है। ये मेन है, बाकी तो जो है वो कहानी है। 7 क्षेत्रों कवर किया जाता है और ये इन्होंने दिया है विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर। और क्या था, और अगर पूछता है तो ऐसा तो नहीं पूछेगा जयपुर किसके लिए इसमें, मतलब बस। और हाँ, ये कुल 8 हो गई है, 8 हो गया है, ठीक है, शहरों की संख्या भारत के। आइए इसराइल फिलिस्तीन विवाद देखिए, ये तो मतलब ऐसे पढ़कर तो नहीं किया जाता, इसको बढ़िया मैप से ही समझा जा सकता है, फिर भी मोटा मोटा देख लेते हैं इसमें कुछ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसके लिए तो विस्तृत वीडियो आपको देख लेना चाहिए कि इसराइल फिलिस्तीन विवाद है क्या, क्योंकि IR वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्री देने से पहले आप एक बार मैप में मेडिटेरियन सी के आसपास के जितने कंट्रीज हैं, खासकर ये इसराइल और किसकी बॉर्डर, किसकी सीमा किससे लगती है किससे नहीं लगती है, अरेबियन कंट्रीज और ये इसराइल वाला एरिया जो भी है, और मेडिटेरियन सी के आसपास में, खासकर टर्की वगैरह, सीरिया वगैरह भी काफ़ी इस समय चर्चा में है, रेड सी में, पर्सियन गल्फ में, ये जितने हैं ना यही कंफ्यूज करते हैं ज़्यादातर। ठीक, तो आप इनकी मैपिंग आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार। इसराइल फिलिस्तीनी क्षेत्र में अवस्थित यरूशलेम की समस्या इसराइल फिलिस्तीन विवाद संबंधी बुनियादी समस्याओं में से एक है। ध्यातव्य है कि इस्लाम, इस्लाई, ईसाई एवं यहूदी धर्म के इस क्षेत्र से संबंधित अपने अपने दावे हैं। वर्ष 1948-49 के इसराइली अरब युद्ध में इसराइल ने पश्चिमी यरूशलेम जबकि जॉर्डन ने पूर्वी यरूशलेम पर अधिकार कर लिया था। इसराइल ने पश्चिमी यरूशलेम, जॉर्डन ने पूर्वी यरूशलेम पर अधिकार कर लिया था। कब? इसराइल अरब युद्ध में 1948-49, ठीक है। वर्ष 1967 में इसराइल ने पूर्वी यरूशलेम जॉर्डन से छीन लिया और इसराइल पूरे यरूशलेम को पवित्र राजधानी के रूप में मानता है, जबकि फिलिस्तीन पूर्वी यरूशलेम को भविष्य के फिलिस्तीनी राष्ट्र की राजधानी मानता है। क्या है? फिलिस्तीन पूर्वी यरूशलेम को भविष्य के फिलिस्तीनी राष्ट्र की राजधानी मानता है। मूल फिलिस्तीनी मुख्य रूप से गाजा पट्टी तथा वेस्ट बैंक में निवास करते हैं। वर्तमान में गाजा पट्टी पर हमास नामक सैन्य संगठन का शासन है। फिलिस्तीन की मांग है कि इसराइल अपनी सीमा को वर्ष 1967 के पूर्व की स्थिति में ले जाए। इसराइल अपनी विस्तारवादी प्रवृत्ति को छोड़े और पूर्वी यरूशलम स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र की राजधानी बने। जो है मेन डिमांड इनकी ये है।
7 अक्टूबर 2023 को उग्रवादी संगठन हमास ने इसराइल पर हमला कर दिया। हमास द्वारा इसराइल पर किए गए हमले को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया गया है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बनता है आपके लिए। तो हमास द्वारा इसराइल पर किए गए हमले को ऑपरेशन अल अक्सा, इस ऑपरेशन का सांकेतिक अर्थ इसराइल द्वारा पवित्र अल अक्सा मस्जिद पर की गई इसराइली बर्बरता का उत्तर देना है। इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य गाजा की 15 वर्षों की इसराइली नाकेबंदी को भी खत्म करना है। इसके प्रत्युत्तर में इसराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स नामक अभियान चलाया। तो ये इम्पोर्टेंट है, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स, सॉरी, इसराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स नामक अभियान चलाया। 27 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गाजा पट्टी में मानवीय सहायता की निर्बाध पहुंच तथा इसराइल हमास संघर्ष को रोकने हेतु एक प्रस्ताव पारित तो किया। इस प्रस्ताव के समर्थन में 120 देशों ने मतदान किया, जबकि 14 देश इसके विरोध में थे। 45 देश भारत सहित मतदान के समय अनुपस्थित रहे। तो मतलब भारत तो ज़्यादातर अनुपस्थित ही रहता है, विवादित मुद्दे जहाँ होते हैं पहचान में नहीं आए। खैर, एक स्टैंड लेना चाहिए अब, क्योंकि जैसे जैसे भारत अब मजबूत देश बनता जा रहा है, तो आगे देखते हैं। इस प्रस्ताव का विरोध करने वाले देशों में इसराइल और एवं अमेरिका, हालांकि हम लोगों से ज़्यादा जानकार पढ़े लिखे वहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, तो वो ज़्यादा समझते हैं चीज़ों को। इसराइल एवं इस प्रस्ताव का विरोध करने वाले देशों में इसराइल एवं अमेरिका शामिल थे। भारत इसराइल फिलिस्तीन क्षेत्र में द टू स्टेट थ्योरी का समर्थन करता है। इसमें एक स्वतंत्र संप्रभु फिलिस्तीन का पक्ष समाहित है। ज्ञातव्य है कि हमास इसराइल संघर्ष में भारत के विदेश मंत्रालय ने अक्टूबर 2023 में अपने पुराने रुख को दोहराते हुए टू स्टेट थ्योरी का ही समर्थन किया। हमास इसराइल संघर्ष के चलते भारत सरकार द्वारा 11 अक्टूबर 2023 को इसराइल ने भारत के नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन अजय का शुभारंभ किया। वेरी इंपॉर्टेंट, जितना कह लो उतना इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन एक पूछा भी था पिछली बार। तो ऑपरेशन अजय ये याद रखिएगा। देखिए, सूडान से भी निकाला गया था, वहाँ से भी निकाला, अफगानिस्तान से भी निकाला गया था, ऑपरेशन गंगा वगैरह सब पढ़ा होगा आपने। तो ये देखिए ऑपरेशन अजय जो है वो इसराइल से संबंधित है। आगे देखिए, इस युद्ध के दौरान 24 से 30 नवंबर 2023 के मध्य इसराइल एवं हमास के नेतृत्व वाले फिलिस्तीनी उग्रवादी समूहों के बीच अस्थायी युद्ध विराम लागू किया गया। तो यही है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। ये देखिए, धोर्डो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, ये इंपॉर्टेंट है। पुस्तकालय गांव मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कुछ याद आ रहा है क्या? आपने पिछला वीडियो देखा कि नहीं देखा पता नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, धोर्डो सर्वश्रेष्ठ गांव, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO की एक पहल है। इस पहल को वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है भाई, 2021 में लॉन्च किया गया था यह पहल UNWTO के ग्रामीण विकास के लिए पर्यटन। यार जल्दीबाजी के चक्कर में ना, क्योंकि बहुत है अभी लंबा वीडियो बनता जा रहा है, तो थोड़ा काफ़ी टाइम लगने वाला है, 10-12 घंटे। हालांकि देखो, अगर आप थोड़ा सा भी अगर सोचते हैं ढंग से, देखिए आप हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी इतना सारा कुछ पढ़ते हैं, लेकिन इनको मिला करके आप 40 क्वेश्चन भी सही नहीं कर पाते हैं, है ना? अगर देखा जाए 40 से 50 तक आप पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर आप जो करंट अफेयर अगर ढंग से कर लेते हैं तो 25 क्वेश्चन यहीं से होते हैं। और इसकी तैयारी इंसान क्या करता है, 2-4 साल से कर रहा होता है, 18 महीने। तो जो फेमस कोचिंग है वो 18 महीने कोचिंग ही कराती है 2.5 लाख रुपये लेके, है ना? तो 18 महीने ये कोचिंग, उसके बाद लड़का खुद से पढ़ता है 1-2 साल। तो इस हिसाब से तो काफ़ी लंबा टाइम चला जाता है। और अगर आप इस मैगजीन को पढ़ लेते हैं या करंट अफेयर पढ़ने में अगर आपको 2-4-5-10 दिन भी अगर देना पड़ता है और 20-25 क्वेश्चन आप करते हैं, तो ये यहाँ पे जो है वो आपके लिए मतलब बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। तो बाकी आप उस हिसाब से देखिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक, देखते हैं कार्यक्रम का एक अंग। इस पहल के अंतर्गत उन गाँव को मान्यता प्रदान की जाती है जो पर्यटन को अपने विकास एवं कल्याण का सुदृढ़ संचालक बनाने हेतु प्रतिबद्ध है। पर्यटन को UNWTO की महासभा UNWTO जनरल असेंबली का 25वां सन 16 से 20 अक्टूबर 2023 के मध्य समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, UNWTO की महासभा का 25वां सत्र 16 से 20 अक्टूबर 2023 के मध्य समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ। तो ये पूछ सकता है कि कहाँ पे हुआ था, तो मतलब ये शामिल किया गया।
तो इस सत्र के दौरान UNWTO द्वारा वर्ष 2023 हेतु सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों की सूची की घोषणा की गई। वर्ष 2023 से जारी की जा रही इस सूची का यह तीसरा संस्करण है। सभी वैश्विक क्षेत्रों से कुल 54 गांवों को वर्ष 2023 हेतु सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों का दर्जा दिया गया। कुल 54 गांवों को सेलेक्ट किया गया इसमें, और UNWTO द्वारा चयनित 54 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में भारत का धोर्डो गांव शामिल है। धोर्डो कहाँ पे? गुजरात के कच्छ जिले में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर पूछता है कि ये भी पूछ सकता है धोर्डो है कहाँ पे, तो आप इसे याद रखिए। और कच्छ के रण की मैपिंग वगैरह भी देख लीजिए। कच्छ के महान रण स्थित धोर्डो वार्षिक रण उत्सव के आयोजन के लिए प्रसिद्ध है। रण उत्सव कच्छ गुजरात में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव है जो इस क्षेत्र की पारंपरिक कला संगीत एवं शिल्प को प्रदर्शित करता है। उल्लेखनीय है कि फरवरी 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत प्रथम पर्यटन कार्य समूह की बैठक धोर्डो में ही आयोजित हुई थी। फरवरी 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत, ये तो आप पता ही है कि भारत ने G20 की अध्यक्षता की है 2023 में, तो के तहत प्रथम पर्यटन कार्य समूह की बैठक धोर्डो में ही आयोजित हुई थी। उल्लेखनीय है कि अब तक UNWTO द्वारा भारत के दो गांवों के को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में सम्मिलित किया जा चुका है। कौन कौन है? देखिए, पहला तो मतलब ये तो आप जान गए, धोर्डो वर्ष 2023 से पूर्व 2021 में पोचमपल्ली तेलंगाना को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चयनित किया गया था। तो ये बनता है धोर्डो, और दूसरा है पोचमपल्ली तेलंगाना। पोचमपल्ली को यहाँ की उत्कृष्ट श्रेणियों के लिए भारत के सिल्क शहर, भाई UPSC वाले इसे थोड़ा सा स्पेशली ध्यान देंगे, क्योंकि UPSC डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, UPSC ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। जैसे धोर्डो जो है वो 2023 में चुना गया, तो धोर्डो तो सब लोग जानेंगे, पोचमपल्ली को जान लीजिए, क्योंकि पोचमपल्ली और इस फेमस किसके लिए है, और आर्ट एंड कल्चर के लिए भी ये फेमस है, तो इसमें भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सिल्क सर, भारत के सिल्क सर, सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2023 के भारत के मंडला मध्य प्रदेश को UNWTO सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव अपग्रेड कार्यक्रम की सूची में शामिल किया गया था। भारत के मंडला मध्य प्रदेश को UNWTO सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की अपग्रेड कार्यक्रम की सूची में शामिल किया गया था। इससे पूर्व वर्ष 2022 में खोनोमा कोहिमा नागालैंड को चयन अपग्रेड कार्यक्रम में भाग लेने हेतु किया गया था। मतलब इनको किया गया था, मंडला को और खोनोमा कोहिमा तो जानना चाहिए, यह अलग बात है कि UNWTO ने नहीं दिया होगा, लेकिन ये अगर शामिल किए गए थे तो कुछ ना कुछ खासियत तो रही होगी ना। ऐसे गांव जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के मानकों को पूरा नहीं करते, उन्हें UNWTO अपग्रेड कार्यक्रम के माध्यम से मान्यता मानदंडों को पूरा करने में सहायता प्रदान की जाती है। ये है पूरी कहानी। तो इतना हो गया, आगे देखते हैं। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023, देखिए इसमें क्या है, ज़्यादा खास नहीं लग रहा। वैश्विक पेंशन सूचकांक मोनास सेंटर फॉर फाइनेंशियल स्टडीज, मोनास यूनिवर्सिटी स्थित मोनास बिजनेस स्कूल का अंग, और मर्सर के सहयोग से CFA संस्थान एक सर्वेक्षण है। गौरतलब है कि वर्ष 2023 के सूचकांक में 47 वैश्विक पेंशन प्रणालियों का एक व्यापक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। 17 अक्टूबर 2023 को मर्सर CFA इंस्टीट्यूट वैश्विक पेंशन, देखिए एक बार ये क्वेश्चन मुझे लगता है इस टाइप का आया हुआ है कि ये जारी कौन करता है। तो मर्सर CFA इंस्टीट्यूट वैश्विक पेंशन, जितना मुझे याद है ये शायद किसी टेस्ट सीरीज वगैरह में या कहीं था, तो जारी किया गया मर्सर CFA इंस्टीट्यूट वैश्विक पेंशन सूचकांक। यह सूचकांक का 15वां वार्षिक संस्करण है, और MCGPI के अनुसार नीदरलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क एवं इजराइल की सेवानिवृत्ति आय प्रणाली विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। क्या दिक्कत है यार, वैसे ही भारत वाले पेंशन के लिए काफ़ी स्ट्राइक वगैरह कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा कि स्थिति जहाँ खराब हो वहाँ पूछ ले। MCGPI 2023 शीर्ष 3 देश कौन से हैं? वही है नीदरलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, सब वही है यूरोप वाले। भारत को 45वां स्थान मिला है, इंडेक्स याद कर लेना क्योंकि इंडेक्स तो आता है, वैसे एक जगह एक पेज पे इंडेक्स सारे दिए हुए हैं, वो मैं पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा।
या फिर आप ऐसे भी लिखते चल सकते हैं, ध्यातव्य है कि वर्ष 2022 में सूचकांक में भारत 41वें स्थान, स्कोर 44.44। देखिए सब चार ही चार हैं, ठीक है। तो ये 22 में जो था वो 41वें नंबर पे था, अभी देखिए ये 45वें नंबर पे आ गया, मतलब इंडिया का पेंशन सिस्टम बढ़िया नहीं है। ठीक है, वैश्विक भूख सूचकांक, ये इसको लेकर के जो है ना वर्तमान सरकार काफ़ी आलोचना झेलती रहती है, तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए कि किस रैंक पे है। रैंक वगैरह पूछता है, बाकी ये भी पूछता है क्या क्या इसमें शामिल किया जाता है। देखिए वैश्विक भूख सूचकांक GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक ऐसी युक्ति है जो वैश्विक क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तरों पर भुखमरी की गणना एवं उसकी वस्तु स्थिति का पता लगाने के लिए डिजाइन की गई है। वैश्विक भूख सूचकांक चार संकेतकों यथा अल्प पोषण, देखो ये जो है ये मेंस वगैरह में लिखने के लिए काफ़ी आता है, मतलब लिख सकते हैं आप इसे, और आपको भी जानना चाहिए कि क्या क्या है ये। अल्प पोषण, अंडर नरिशमेंट, बाल दुबलापन, चाइल्ड वेस्टिंग, देखिए इसे परिभाषित भी किया गया, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग। आप इसे इंग्लिश में याद रखिए, क्योंकि ये हिंदी में बाल दुबलापन कहीं कुछ और मिल जाता है, कहीं कुछ और मिल जाता है, बाल ठिकनापन यहाँ मिल गया, वहाँ पे कुछ और लिखा मिल गया, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग। जैसे आप हिंदी में भी लिख सकते हैं अगर मेंस में लिखना हुआ तो, और बाकी जो है वो शिशु मृत्यु, बाल मृत्यु दर, चाइल्ड मोर्टैलिटी के आधार पर तैयार किया गया है। वैश्विक भूख सूचकांक 100 आधार बिंदुओं पैमाने पर तैयार किया जाता है, जिसमें 0 सबसे अच्छा स्कोर माना जाता है जबकि 100 सबसे खराब स्कोर माना जाता है। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मतलब स्कोर बढ़ता है तो क्या स्थिति होती है, आपको जानना चाहिए। तो 0 वाली स्थिति जो है वो बढ़िया है, 100 वाली स्थिति खराब है, मतलब एक तरह से उल्टा हो रहा है ये, जबकि स्कोर बढ़ना चाहिए तो स्थिति अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि बाकी हर जगह होता है एग्जाम वगैरह में मार्क्स पाते हैं लोग, पर यहाँ जो है वो थोड़ी सी स्थिति अलग लग रही है। स्पष्ट है कि यदि किसी देश का GHI स्कोर 0 है तो इसका अर्थ है कि वहाँ कोई भूखा नहीं है, जबकि GHI स्कोर 100 का तात्पर्य उस देश में सभी भुखमरी की स्थिति में, हालांकि ये दोनों स्थितियाँ व्यवहार में नहीं है पाई जाती हैं, व्यवहार में 0 से 100 के बीच की स्थिति ही पाई जाती है। और इस सूचकांक GHI स्कोर में 5 वर्ग बनाए गए हैं जिनके आधार पर किसी देश में भुखमरी की तीव्रता का आकलन किया जाता है। ये है 9.9, तो ये देखिए जिस जिसका है 9.9 है उससे कम स्कोर तो वो है लो, और 10 से 19 के बीच में है मॉडरेट, और सीरियस 20 से 35 के बीच में, और 35 से 50 के बीच में भयावह। तो ये इसे पूरा 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 याद रखिए, 10 या उससे कम की स्थिति है तो कम भुखमरी है, 10 से 20 के बीच में मध्यम भुखमरी है, 20 से 35 के बीच में गंभीर मामला हो गया है, और 35 से 50 के बीच में भयावह है, और 50 से ऊपर है तो मतलब भाई खतरनाक है, तो चरम भयावह। इसके लिए जो इस जो वर्ड यूज़ किया गया है चरम भयावह, एक्सट्रीमली अलार्मिंग, और ये शब्द आप याद रखिएगा एक्सट्रीमली अलार्मिंग, चरम भयावह अगर भूल गया, देखिए हिंदी वाला अगर भूल जाओ कोई बात नहीं, आप हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, मतलब इंग्लिश वाला वर्ड ही हिंदी में लिखो, लो मॉडरेट सीरियस अलार्मिंग एक्सट्रीमली अलार्मिंग, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया नंबर मिलेगा। तो ये क्या है, एक्सट्रीमली अलार्मिंग स्थिति में है, 50 से अधिक अगर है तो आप समझ गए ना, 0 अगर है तो मतलब कम भुखमरी है, ज़्यादा है 100 है तो ज़्यादा है, और ये क्या है 10 से कम है तो, एक मिनट, 10 से कम है तो कम भुखमरी है लो, और 10 से 20 है तो मॉडरेट, 20 से 35 है तो सीरियस, और 35 से 50 है तो अलार्मिंग, और 50 के ऊपर है तो मतलब 50 के ऊपर ही खतरनाक स्थिति आ गई। 12 अक्टूबर 2023 को कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वेस्ट हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक भूख सूचकांक 2023 जारी किया जाता है। अभी मुझे लगता है 2023 या 22 वाले में PCS UPPCS में एग्जाम डायरेक्टली पूछ गया था, डायरेक्टली पूछा था एग्जाम में कि जारी कौन करता है, तो वर्ल्ड वाइड तथा वेस्ट हंगर हेल्प ये जारी करता है वैश्विक भूख सूचकांक, तो आप इसे हाईलाइट कर लीजिए। यह सूचकांक का 18वां वार्षिक संस्करण है, एक मिनट, 18वां है। 23 खाद्य प्रणालियों को आकार देने में युवाओं की शक्ति इस विषय पर केंद्रित था, तो हो सकता है कि ये इस बार वही पूछ ले, थीम ही पूछ ले, क्या है, द पावर ऑफ यूथ इन शेपिंग फूड सिस्टम।
इंग्लिश वाला ज्यादा जल्दी याद हो जाता है। द पावर ऑफ यूथ इन शेपिंग फूड सिस्टम, खाद्य प्रणालियों को आकार देने में युवाओं की शक्ति। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ष 2023 में 125 देशों के जीएचआई स्कोर की गणना की गई, और जीएचआई इतना था, वैश्विक जीएचआई मध्यम, मतलब भारत मतलब विश्व जो है वो मध्यम वाले स्तर में है, 10 से 20 वाले स्थिति में है ना, ये आपको याद रखना चाहिए कि विश्व जो है वो 10 से 20 वाले स्थिति में, मध्यम वाले में। क्षेत्रीय स्तर पर देखा जाए तो वर्ष 2023 में दक्षिण एशिया और साउथ अफ्रीका ऑफ द साउथ अफ्रीका सॉरी अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा एक मिनट यार और अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा का जी एच आई स्कोर सर्वाधिक है। मतलब यार ये जो है ना स्थिति खराब इधर है अफ्रीका वाला, दक्षिण एशिया में साउथ अफ्रीका आप साउथ ऑफ द सहारा, ये साउथ अफ्रीका की याद आ रहा है यार, साउथ ऑफ द सहारा दोनों का जी एच आई स्कोर 27.0 है। ये स्कोर इन क्षेत्रों में भुखमरी की गंभीर सीरियस स्थिति को प्रदर्शित करता है। ऐसा भी पूछ सकता है कि किन क्षेत्रों में सीरियस है सिचुएशन, तो दक्षिण एशिया और साउथ अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा, मतलब सहारा के साउथ वाले देशों की स्थिति ये कह रहा है। क्षेत्रीय दृष्टि से वर्ष 2023 में यूरोप एवं मध्य एशिया का जी एच आई स्कोर 6.1 है। मतलब यूरोप और मध्य एशिया जो है, देखिए पढ़ते वक्त ही माइंड में बनाते हुए चलिए, क्योंकि बाद में तो पढ़ा जाएगा नहीं और फिर ये चीज़ें याद करने वाली नहीं है। अभी से आप दिमाग में अपने एक पिक्चर बना लीजिए कि यूरोप और मध्य एशिया वाली जो है, यहाँ भुखमरी की स्थिति जो है वो लो थी, मतलब एक तरह से अच्छी स्थिति कही है भुखमरी में। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 के अनुसार वैश्विक स्तर पर कोई भी देश भुखमरी की चरम भयावह स्थिति में नहीं है। मतलब ऐसी स्थिति अभी नहीं आई है कि विश्व जो है वो खाए बिना मर रहा है, तो ये वाली मतलब आप ऐसा कुछ बना करके याद करिए। जबकि 9 देश भुखमरी की भयावह अलार्मिंग स्थिति का सामना कर रहे हैं। 9 देशों में 6 देशों यथा मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लेसेथो, मेडागास्कर, नाइजर एवं यमन को उनके वर्ष 2023 के जीएचआई स्कोर के आधार पर भुखमरी की भयावह स्थिति में वर्गीकृत किया गया। यही है बेचारे जो मतलब वही है साउथ अफ्रीका साउथ ऑफ सहारा करके जो है, ये सब वही हैं। लेसेथो, मेडागास्कर, मेडागास्कर तो खैर इसमें आ गया इंडियन ओशन में, और लेसेथो देखो ये है कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, नाइजर बगल में ही है, नाइजर नाइजीरिया, यमन देखिए ये गुंडागर्दी करता रहता है, इसके में बहुत विद्रोह भी होता रहता है, वर्गीकृत किया गया है। जबकि 3 अन्य देशों तथा बुरुंडी, सोमालिया, ये तो यार लूट मार करता है सोमालिया, बुरुंडी, सोमालिया एवं दक्षिण सूडान, हाल सब लोग नहीं करते, मतलब कुछ वहाँ पे ऐसे लोगों को पनाह दिया जा रहा है, जैसे कि पाकिस्तान में दिया जा रहा है आतंकवादियों को पनाह दिया जाता है, सपोर्ट करते हैं उनके ISI वाले। बुरुंडी, सोमालिया एवं दक्षिण अफ्रीका सूडान के उपलब्ध आंकड़े अपर्याप्त होने के कारण उनके GHI स्कोर की गणना नहीं की जा सकी है। तो जबकि मुझे लगता है कि सबसे बुरी स्थिति सोमालिया की होगी, सोमालिया खैर अगर डाटा होता तो होता। उन्हें अन्य ज्ञात कारकों के आधार पर अंतिम रूप से भुखमरी की भयावह स्थिति में वर्गीकृत किया गया है। GHI 2023 के अनुसार वर्ष 2020-22 की अवधि में मेडागास्कर में अल्प पोषण अंडर नरिशमेंट की दर सर्वाधिक 51% थी। मेडागास्कर में अल्प पोषण की दर सर्वाधिक, मतलब मेडागास्कर में बढ़िया पोषण नहीं मिल पा रहा है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दुबलापन, वेस्टिंग यही है कि सर्वाधिक मामले भारत में 18.7 दर्ज किए। भाई ये तो हालांकि बेइज्जती वाली बात है, तो मुझे लगता नहीं है कि ये एग्ज़ाम में आएगा, और वैसे भी IT सेल वाले तो पता ही है माहिर हैं, दिखा देंगे कि ये जो जारी करता है वही फर्जी है। तो कुल मिला करके ये जो स्थिति है ना, वेस्टिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, ये स्थिति को लेकर के भारत में सबसे बुरी स्थिति बनी हुई है। और 2018-22 की अवधि में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ठिगनापन, स्टंटिंग मामले में बुरुंडी, मतलब ये इस मामले में बुरुंडी जो है वो सर्वाधिक है, बुरुंडी में सर्वाधिक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, भारत वाला आप याद रखिए। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर नाइजर में सर्वाधिक है। अलग अलग देखिए याद करना है तो कर लीजिए, नाइजर में देखिए मृत्यु दर जो है वो सर्वाधिक है,
और बुरुंडी में क्या था, स्टंटिंग ये ज्यादा था, ठिकनापन। ठीक है, वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में 20 ऐसे देश शामिल है जिनका GHI स्कोर 5 से कम है, मतलब अच्छी स्थिति है इनका, जिनका मतलब इन देशों को अलग अलग व्यक्तिगत रैंक प्रदान नहीं की गई है बल्कि सामूहिक रूप से इन्हें 120 रैंक तक सूचीबद्ध किया गया है। इन 20 देशों में चिली, चीन, क्रोएशिया, कुवैत, लाटविया, सर्बिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात आदि शामिल है। यार चाइना देखो, चाइना कहाँ जा रहा, चाइना, चिली, चीन चौ चौ से नाम है, क्रोएशिया, कुवैत, लाटविया। देखो कुवैत लाटविया तो खैर कुवैत आजकल नेता बना हुआ है, हर जगह समझौता करा रहा है ये इसराइल फिलिस्तीन वगैरह का, मतलब ये IR में याद रखना इस मेरे शब्द को अगर लिखना हुआ तो। लाटविया, लिथुआनिया ये तो छोड़ो, देखो चाइना ये मतलब क्या बताएं, चाइना हमसे लीड कर रहा है यार, जबकि पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं सब, फिर भी वहाँ की स्थिति बढ़िया है। हमारे यहाँ दाल चावल सब, गेहूं इतना प्रोडक्शन है, मिनरल प्रोडक्शन वगैरह का मैंने, सॉरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वगैरह का डाटा मैंने डाल दिया है, अगर आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो। हर जगह तो इंडिया भी दूसरे तीसरे नंबर पे पड़ा हुआ है, फिर भी पता नहीं क्यों ये स्थिति बनी हुई है। उज्बेकिस्तान देखिए, पता नहीं क्या वो है, बताऊंगा मैं आपको। उज्बेकिस्तान GHI स्कोर 5.0 सूचकांक में 21वें स्थान पर है, कोई वो नहीं है। देखिए एक मोटा मोटा वो देख लीजिए, ब्रिक्स देशों की स्थिति में क्या स्थिति बनी हुई है। देखिए ब्राज़ील 32वें नंबर पे है, मतलब ब्राज़ील टॉप पे था, टॉप पे है, रसिया भी है। भारत की स्थिति तीसरे नंबर पे है, भारत का जो रैंक है वो है 111। तो अभी तक रैंक आपने इधर कहीं देखा नहीं, देखा ना तो आप इसको याद कर लीजिए। चाइना देखिए 120 वाले रैंक, वही देखा ना अभी आपने, अच्छी स्थिति में है। और साउथ अफ्रीका वाली स्थिति तो ये तो बेकार ही है, 98, मतलब साउथ अफ्रीका जो है वो भारत से तो बढ़िया बेहतर। देखिए इसमें अगर सबसे बेकार रैंकिंग किसकी है, इंडिया की है 111। तो ब्रिक्स देशों में इंडिया सबसे नीचे है, बी ब्रिक्स में जो ये आई है ना वो सबसे नीचे है, 111, 111, 111 पे है, आई है 3 बार, ये 3 गुना हो गया है। तो कैसे भी कुछ बना करके कहानी याद रखो। आगे देखो GHI 2023 अंतिम 3 देश कौन कौन से हैं, 125, सॉरी 125 पर है मध्य अफ्रीकी गणराज्य, 24 पर है मेडागास्कर और 23 पर है यमन। तो सबसे बेकार स्थिति पे कौन है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य। वैश्विक भूख सूचकांक 2023, भारत की रैंक देख ही लिया आपने, 111वीं है। और स्पष्ट है कि GHI 2023 में भारत का स्कोर वहाँ भुखमरी की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। तो ये भी आप जान लीजिए कि भारत जो है वो सीरियस वाले उसमें है, ठीक है। अभी ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत कौन सी स्थिति में है, तो ये तो गंभीर स्थिति है, आप इसके हिसाब से याद रखिएगा कि गंभीर मतलब सीरियस वाले मतलब उसमें है, लिस्ट में है ये भारत, ठीक है। तो अभी रुकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा है अंतर्राष्ट्रीय, तो बाकी आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नोबेल पुरस्कार वगैरह है वो हम लोग ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि नोबेल पुरस्कार वगैरह से क्वेश्चन आते हैं, तो अभी टाइम भी काफ़ी हो गया, मैं थक भी गया हूँ, ठीक है। ठीक है फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।